पूज्य जिन धर्म प्रभाविका आर्यका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी की पावन प्रेरणा एवं आशीर्वाद से संचालित चतुर्विध संघ की सेवा में सदैव तत्पर सृष्टि मंगलम फाउंडेशन श्री समेध शिखर जी। सृष्टि मंगलम फाउंडेशन में विगत कई वर्षों से चतुर्विध संघ आहार उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था भी उपलब्ध है और साथ ही पूज्य श्री सृष्टि भूषण माता जी द्वारा वैयावृत्ति, बच्चों को शिक्षा, असहाय गरीबों को उपचार एवं रोजगार प्रदान कर जन कल्याणकारी कार्य निरंतर किए जा रहे हैं। आप भी आहार दान में सहयोग प्रदान कर करें सातिश्य पुण्य का अर्जन। आप अपनी सहयोग राशि दिए गए बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 0119010003249, IFSC BARB0SHRIMA, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 0212001011777, IFSC PUNB 0021200। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। इस पुण्यशाली योजना से जुड़ने हेतु संपर्क सूत्र। परम पूज्या जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से संचालित संस्था सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्विध संघ आहार उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था भी उपलब्ध है। सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी में त्यागी वृत्तियों के आहार एवं यात्रियों के ठहरने के लिए वातानुकूलित कमरे भी उपलब्ध हैं। स्थल मेन मंदिर के सामने सृष्टि मंगलम भवन। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 9376571001, 9376571002, 9376571003, 7011014812। नियम लेकर जाना कि हमने जैन शासन में आने वाले किसी भी सदग्रस्त को परमात्मा बनने वाले जीव की कभी हत्या नहीं करना, वरना तो तुम्हारा वो ही हाल है कि एक डॉक्टर के यहाँ एक मरीज गया और डॉक्टर ने उसे देखा, उसे बुखार था, हल्का जुकाम था, डॉक्टर ने दवाई दे दी तो वो कहने लगा मैं सीधा आदमी हूँ, मैं टीकमगढ़ का हूँ, बहुत सरल धर्मात्मा आदमी हूँ, मुझे ठीक से समझा दो दवाई। उसने कहा क्या समझा दो, तो कहने लगे आपने 4 गोलियां दी हैं, ये बताओ कौन सी किसके साथ खाना। तो डॉक्टर ने कहा 2 दूध के साथ 2 पानी के साथ। बोले पहले तो ये बताओ दूध गर्म हो कि ठंडा। उन्होंने कहा ठंडे से खा लेना। बोले ये बताओ बाल्टी में लेना है कि गिलास में। उन्होंने कहा गिलास में ले लेना। फिर बोला चांदी के गिलास में लूं कि पीतल के में। उन्होंने कहा पीतल के में ले लेना। फिर बोला बैठ के पीऊं कि खड़े होकर। अभी पीऊं कि थोड़ी देर बाद पीऊं। हॉस्पिटल में पीऊं कि घर जाकर पीऊं। डॉक्टर ने कहा पिंड छोड़। बोले कैसे पिंड छोड़ूं, तुम्हें 100 रुपये दिए, ठीक ठीक से पूरा बताओ, अभी पीऊं, कल पीऊं, रात को पीऊं, सुबह पीऊं, आप पीकर आपके पास आऊं कि घर रह जाऊं। डॉक्टर बोला मेरा पिंड छोड़। बोले पिंड कैसे छोड़ूं, पैसे दिए। तो डॉक्टर साहब ने कहा 100 रुपये का नोट। कहने लगे तू ले भैया अपने पैसे भी ले जा, दवाई भी ले जा, चला जा। तो कहने लगे क्यों इतनी दूर से आया हूँ, रिक्शे में पैसे नहीं लगे क्या, रिक्शे में पैसे नहीं लगे क्या, और इतना टाइम मेरा लगा उसका कौन भुगताना देगा। डॉक्टर साहब ने कहा 200 रुपया दो। बोला शाम तक पूछता रहूंगा तुमसे, नहीं तो 500 रुपया दो। समझ गए, डॉक्टर ने उसे 500 रुपया दिया और पिंड छुड़ाया। तुम लोग भी बड़ी बड़ी चर्चा, कब होगा, कैसे होगा, कितना समय लगेगा, कौन सी प्रकृतियां, कौन से बंध, कौन सा अनुवाद, कौन सी सत्ता, इतना दिमाग लगाते हो। अरे प्रणाम विशुद्धि करो, जानवर भी जिनवर बन जाता है, नारकी भी नारायण बन जाता है, तिर्यंच भी तीर्थंकर बन जाता है। पूर्व भवों के इतिहास उठाकर देखो, महावीर भगवान हो, पार्श्वनाथ हो, नेमिनाथ हो, और तुम यहाँ गुणा भाग लगाते लगाते मर जाते हो। तो कैसी नजरिया हो, क्योंकि आपको पता है यदि आपका सोच अच्छा हो तो इन्हीं परिस्थितियों में तुम्हें आज भी क्या चौथा काल नजर आएगा। काल क्या होता है, चौथे काल में सम्मोक्ष जाते हैं क्या,
क्यों? चौथे काल में जहां लंका में रावण था वहां पर त्रिजटा नाम की महिला भी थी जो सीता का सपोर्ट करती थी, वहां भाई विभीषण भी था जो अन्याय के साथ साथ नहीं देना चाहता था। जिस समय में रावण हुआ उस समय आप सबको पता है कि राम भी हुए। समय से क्या होता है? आप लोग समय देखते रहते, माता जी मोक्ष कब मिलेगा? हमने कहा इसी भव में मिलेगा। बोले अभी तो बहुत काम है। हमने कहा जब तलक है जिंदगी फुर्सत ना होगी काम से, समय कुछ ऐसा निकालो प्रेम हो भगवान से। समय अभी निकालो, इसी वक्त निकालो। अभी आर्तरोध ध्यान में जी रहे और इसी समय तुम्हें आयु बंद हो गया तो क्या करोगे? आयु बंद हो गया तो तीर्थंकर भी तुम्हें कहीं मोक्ष में स्वर्ग में नहीं ले जा सकते। आप सबको पता है श्रेणी कौन थे महावीर के? मौसा जी थे। मारीच कौन थे आदिनाथ के? पोता। हाँ पोता, बेटे के बेटे को हम पोता बोलते हैं, आप लोग नाती बोलते हैं। सोचो उनको नहीं तार सके। और आदिनाथ के समय में तो जिसका बाप चक्रवर्ती हो, चाचा कामदेव हो, दादा तीर्थंकर हो, और उस भव में भी अहंकार आ गया तो भटक गए। मुझे बड़ा दुख होता है जब मैं कभी सुनती हूँ इतने बजे तक दिगंबर प्रतिमा रहेगी, इतने बजे तक श्वेतांबर रहेगी, इतने बजे आंख लगा देंगे, इतने बजे आंख निकाल लेंगे। हमने कही सच में यहाँ भगवान होते तो कहते तुम हमें रहने ही दो बिना भगवान के अच्छे। एक बार आंख का ऑपरेशन होता तो कितनी तकलीफ होती है। आप देखो हम पारसनाथ एक हैं लेकिन हमने कितने भेद कर रखे हैं। बोले ये वाले वही हाल है कि मुल्ला से किसी ने कहा कि बहुत अच्छा बेटा है तुम्हारा। कहने लगे अभी क्या बेटे की बात कर रहे हो, घर पर जाकर इसका फोटो देखना। माने साक्षात नहीं दिख रहा तुम्हें भी अभी इस भव में। सच पूछो कल्याण कर लेना, अपनी कोई विषम परिस्थितियां हो उन्हें सोच लेना, ये पर्याय है। उत्पन्न होती है नष्ट हो जाती है, कभी भी उसमें आकुलित मत होना। कभी घर में दो बात कोई गलत भी कह दे तो आप कहोगे कि माता जी गलत को गलत कहें कि नहीं? गलत को गलत समझ लो लेकिन और नवीन बंद करने का कारण मत बनाना। यही तुम्हारे सम्यक दर्शन में कारण है। लोग कहते हैं सात तत्व का श्रद्धान करो, सात तत्व का श्रद्धान करो। हमने कि कैसा श्रद्धान है? तुम्हें जीव जीव नजर नहीं आता? तुम्हें जीव की पर्याय विभाव रूप चल रही है या स्वभाव रूप चल रही, मति सुत रूप में चल रही या कुमति कुश्रुत रूप में चल रही है? पर्याय तुम्हें नजर नहीं आती? ये तुम्हें परिणति नजर नहीं आती कि साता का उदय चल रहा है या असाता का उदय चल रहा है? तुम कहते हो उसने मेरी इज्जत नहीं की। आपको ये पता नहीं है क्या? हो सकता है मेरा अनादि का उदय चल रहा हो, मैंने किसी का अपमान किया होगा इसलिए मेरा अपमान हो रहा। यदि तुम्हें इतना ही पता चल जाए तो तुम नवीन बंद कर नहीं सकती हो। और इसी भव में, इसी पर्याय में, इसी परिस्थिति में सच पूछो तो तुम्हें सम्यक दर्शन हो सकता है। अभी सिर्फ गुणा भाग में लगे हो कि हमने कितना बड़ा तीर मार लिया। आपको पता है यदि आपको अच्छा डॉक्टर का पता भी चल जाए, लोग आपसे कह दे कि इससे बड़ी बीमारी मुझे थी, वहां गए थे एक बार में ही आराम हो गया, 8 दिन में तुम्हें बिल्कुल चलने लगी, तो क्या होती? तुम्हारी श्रद्धा बन जाती है। तुम्हारा 10% बीमारी तो उसी टाइम तुम्हें क्या होता है, कम हो जाती है। तुम्हें लगता है अब अच्छा डॉक्टर मिल गया। और डॉक्टर जाते ही तुम्हें ये कह दे कि ये तुमने खाया था इसलिए बीमार हुई, तो तुम्हें और पता चल जाता है कि ज्ञान भी हो गया इसको। उसके बाद डॉक्टर आपको दवाई लिख दे कि ये पानी के साथ है, दूध के साथ, लेकिन ध्यान रखना खटाई आदि नहीं खाना, मिर्ची नहीं खाना, तेल नहीं खाना। तो आप क्या करते हो? तुरंत आकर वैसा करते हो। लेकिन आप सोचो श्रद्धांत तो है,
ज्ञान भी कर लिया लेकिन खाऊंगी नहीं, और सोच लो कि दो बार तीन बार क्या खाना, एक बार में खा लो तो क्या होगा, रोग ठीक होगा या रोगी निपट जाएगा, रोगी निपट जाएगा। आप लोगों की हालत भी ऐसी है, अपने मन को, अपने श्रद्धान को, अपने विवेक को, अपने चारित्र को नहीं बदलना चाहते हो। एक व्यक्ति बहुत बीमार था और उसने डॉक्टर से बात की कि उसका रोग ठीक हो जाए। डॉक्टर ने कहा, हर डॉक्टर कहता था कि जब खांसी बहुत ज्यादा है, टीबी है, तो खटाई उटाई मत खाओ। उसने कहा, नहीं खाऊंगा, खटाई उटाई नहीं छोड़ सकता। लेकिन कोई वैद्य से हर कोई को कहता था, जितना चाहे पैसा लग जाए मुझे कोई दवाई अच्छी दे दे। एक आया और कहने लगा, दवाई दूंगा, तीन फायदे तो तुरंत हो जाएंगे 15 दिन के अंदर। बोले क्या? बोले एक तो कुत्ता नहीं आएगा, एक चोर नहीं आएगा और एक बुढ़ापा नहीं आएगा। उसने कही, बस यही तो चाहिए अपन को, बुढ़ापा नहीं चाहिए। कहने लगे, तुम जितना दही खटाई खाते हो उससे दुगना खाना। उसने कही, बढ़िया बात बता दी इसने तो, और दुगना खाया वो तो 8 दिन में इतना बीमार हो गया। उसने डॉक्टर को बुलाया, कहने, तू कैसा बेईमान है, और तूने मुझे दवाई बताई, मैं और बीमार हो गया। उसने कहा कि क्या बीमार हो गया? कहने लगे, तुमने कहा था कुत्ता नहीं आएगा, तो कुत्ता तो नहीं आता, लेकिन मैं तो ज्यादा बीमार हो गया, बिना लाठी के चल ही नहीं पाता। तो बोले, इसीलिए तो कहा था, जब तू लाठी लेकर दिन भर खांसता रहेगा तो कुत्ता तो अंदर घुस ही नहीं पाएगा। बोले, तूने कहा था बुढ़ापा नहीं आएगा। बोले, मैंने यही तो कहा था, बुढ़ापा नहीं आएगा, तू अभी चला ही जाएगा जवानी में, तो बुढ़ापा काहे को आएगा। और बोले, तूने कहा था चोर नहीं आएगा, तो बोले तू जब रात भर खांसेगा तो चोर समझेगा जग रहा है, तो आएगा ही नहीं। आप लोगों की वही हालत है। आप सोचते हो हम तो एक लकीर भी, एक मर्यादा भी नहीं रख सकते। डॉक्टर को पैसे भी दे आते हो और चीनी और नमक भी छोड़ाते हो, समझ गए, बीपी हाई हो, शुगर हो, तो चीनी नमक छोड़ाते हो, उससे नहीं पूछते हो। यहाँ दो मुट्ठी चावल चढ़ाते हो, उसमें इतनी सांसारिक इच्छाएं होती हैं। अरे जो मिला है वो किसी से कम नहीं, और जो नहीं मिला उसका कोई गम नहीं। तो ध्यान रखना, श्रद्धान ज्ञान और चारित्र, आज से ही सोचो कि जो मिला है वो कुछ दिन का है। किसी को मरते हुए मत देखो, बेचारा चला गया, ये सोचो बेचारा ये भी एक दिन जाएगा, और जिस दिन जाएगा फूटी कौड़ी यहां से नहीं ले जाएगा। सोने चांदी से यदि भरता पेट तो इकट्ठे कर लेता मैं भी हीरे मोती, कहां ले जाएगा पगले। कफन में जेब नहीं होती, ध्यान रखना कुछ नहीं ले जा पाओगे। यहां से जितना चाहे इकट्ठा कर लेना, लेकिन ले जाओगे तो प्रत्येक क्षण एक समय को भी दुर्ध्यान में मत गमाओ। कभी किसी से टकरा रहे तो आज ही क्षमा मांग लो, क्या पता कल हम रहे तुम ना रहे। कोई एक भी चला गया और कसाई की संतति लेकर गया, तो अगले जन्म में आप सिर्फ बड़ा समाधि मरण उठाकर देख लेना, अभय कोष मुनि काकंदी पर महावेद ना पाई। अभय घोष मुनि काकंदी पर महावेद ना पाई, कौन ने मारा था? चारों हाथ पैर एक साथ काट दिए थे, खुद का बेटा था, इसी जन्म का बेटा था। जब राजा ने दीक्षा ली तो बच्चा गोद में था और बाप को भी शिकार थी। बाप ने केकड़े के हाथ पैर कौशल दिखाने के लिए, कला दिखाने को काट दिए थे, और वही केकड़ा मरकर बेटा हुआ था, उसने भी बाप के हाथ पैर काट दिए थे। आपने अंजना का हो, द्रौपदी का हो, गज कुमार का हो, पूर्व जन्म में रोटी की भाप लगा दी थी, बाद में वही जिस बच्चे को भाप से जलाया था उसने आग से जलाया। आप सोच सकते हो, चक्रवर्ती ब्याज की तरह पुण्य भी बढ़ता है और चक्रवर्ती ब्याज की तरह पाप भी बढ़ता है। ये बड़े अच्छे हैं, अच्छाइयां भी अपने पूरे रिश्तेदार कुनवे के साथ आती हैं और बुराइयां भी पूरे खानदान के साथ आती हैं। एक बुराई ले आओ सारी बुराइयां आ जाती हैं। लेकिन ध्यान रखना, हम किसी को धोखा नहीं, खुद को धोखा दे रहे हैं। एक सेठ के नौकर से झगड़ा चल रहा था, झगड़ा मतलब कुछ बात अनबन हो गई थी, सेठ ने नौकरी पे से निकाल दिया।
सेठ की लड़की बड़ी हो गई थी, पहले तो लड़की 18-20 साल की हो जाए तो लगता था कितनी बड़ी लड़की हो गई। और उसने भी सेठ जी से सोचा कि मौका फायदा लूं, इनने मुझे निकालना है। सेठ जी से बोला, सेठ जी आपका नमक खाया है, आपने भले हटा दिया मुझे लेकिन मैं आपकी बेटी के लिए एक अच्छा रिश्ता लेकर आया। तो बोले क्या? तो बोले कि बढ़िया लड़का है, कोई 20-22 साल का है। सेठ जी ने कहा अच्छा है। बोले क्या करता है? बोले कि पूछो मत, रहीस ज्यादा है, गाड़ी से नीचे उतरता ही नहीं। बोले बहुत अच्छा है। और बोले स्वभाव कैसा है? बोले ऐसा नेक दिल है, सबको एक नजर से देखता है। बोले आप तो बोल रहा हूं, किसी को बोलो नहीं तो पक्की करो, सिर्फ 7 दिन बाद मुहूर्त है शादी का, नहीं तो फिर 2 साल नहीं। सेठ जी ने किसी से पता लगाया, पैसे वाला तो खूब, आजकल आप लोग पैसे ही तो देखते हो। तो उसने रिश्ता पक्का कर दिया। जब वो आया तो सेठ जी ने कहा दूल्हा को तो निकालो। तो बोले ये दूल्हा ही है। बोले तो उसका बाप लग रहा है। तो बोले कि तुमने कहा था कि 20-22 का, तो बोले 20 और 22 ही तो मैंने सही कहा था, समझ गए। बोले बाहर तो निकालो। बोले कि मैंने कहा था रईस ज्यादा है, गाड़ी से नीचे पैर नहीं देता, पैर थे ही नहीं तो क्या निकालेगा, समझ गए। और उसके बाद उन्होंने कहा कि ये चश्मा काहे को लगाया? बोले मैंने कहा था एक आंख से दुनिया को देखता है, इसलिए चश्मा लगाया क्योंकि अच्छा नहीं लगेगा। आप भी ध्यान रखना, आपके भी ज्ञान दर्शन चारित्र धोखा खा रखा है तुमने। तुमने जरा सी पूजा कर ली, अपने आप को सम्यक दृष्टि समझते हो, और जरा सी 2-4 शास्त्रों की बातें याद कर ली। कल मैंने रात शाम को कुछ पूछा, छोटी छोटी बातें नहीं आती हैं। उसके बाद भी लोग कहते कर्म कांड पढ़ा दो, हमने कहीं कर्म तो अच्छे कर लो, कर्म कांड अपने आप हो जाएगा।